इमारतें। रूस लगातार हमले कर यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर जेलेंस्की की हिम्मत उनकी उम्मीदों पर लगातार पानी फेरती नजर आ रही है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन की जंग अब 19वें दिन के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। जंग के 18 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक यूक्रेन में हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अब युद्ध के 19वें दिन यूक्रेन के 19 शहरों में हवाई हमलों का सायरन बजा है। इसके अलावा राजधानी कीव और खार्किव पर भी रूसी सेना का मिसाइल अटैक जारी है। दोनों देशों के बीच चौथे दौर की बैठक अब होनी है, लेकिन इससे पहले हुई 3 बैठकों में कोई समाधान नहीं निकला था। राजधानी कीव के करीब चेचेन में विद्रोही भी पहुंच चुके हैं। गौरतलब है कि चेचेनिया में सत्ता पर काबिज चेचेन लड़ाके रूस के पक्ष में इस युद्ध में उतरे हैं और यूक्रेन की सेना के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। कीव के पास पहुंचकर चेचेन लड़ाकों ने कई वीडियो भी जारी किए हैं और दावे किए हैं कि कीव के पास यूक्रेन सेना के कई ठिकानों पर उन्होंने हमले किए हैं। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, इनमें से 19 में तो रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग भीषण रूप ले चुकी है। यहाँ प्रतिदिन रूस की बमबारी में यूक्रेन के शहर तबाह हो रहे हैं। युद्ध का आज 19वां दिन है और यहाँ से लगातार भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। चारों तरफ धुएं की जद में ऊंची इमारतें तो मानवता की उड़ती धज्जियां भी स्पष्ट तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में भारत ने लगभग अपने सभी छात्रों को यूक्रेन से निकाल लिया है और राजधानी कीव पर रूसी सेना के अटैक बढ़ रहे हैं। वहीं यूक्रेन में घायल या मारे गए 100 से अधिक सैनिकों को राष्ट्रपति व्लोडिमीर जेलेंस्की द्वारा उनकी बहादुरी के लिए पदक से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कीव क्षेत्र में एक सैन्य हॉस्पिटल का दौरा किया, जिसमें 106 सैनिकों और 17 को मरणोपरांत यूक्रेन के नायकों की उपाधि से सम्मानित किया गया। जंग को आज 19 दिन हो चुके हैं। रूस की फौज लगातार वार कर रही है, यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। स्कूल, अस्पताल, सब कुछ उस बर्बादी की जद में है जहां बम गिर रहे हैं। कीव की किलेबंदी में रूसी फौज ने जी जान लगा दिया है, लेकिन उन्हें अब तक कामयाबी नहीं मिली है। यूक्रेन के हित में जेलेंस्की ने कई बार रूस से युद्ध रोकने और बातचीत करने की अपील की है, लेकिन अब तक कोई सुलह का रास्ता नजर नहीं आ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार।